क्या यूपी चुनाव में इस बार होगा MY बनाम MY में मुकाबला? आखिर यूपी में इस बार MY फैक्टर किसकी नैया पार लगाएगी? अब तक के चुनावों में MY समीकरण को मुसलमान और यादव वोट बैंक से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में MY बनाम MY का मुकाबला हावी है। समाजवादी पार्टी जहां अपने पुराने MY समीकरण के दम पर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की फिराक में है, तो वहीं BJP भी मोदी योगी फैक्टर के जरिए चुनाव में अपनी कामयाबी की राह तलाश रही है। यूपी की सियासत पर बारीक से नजर रखने वालों की माने तो मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही समाजवादी पार्टी मुसलमानों और यादव बिरादरी के वोटर्स की ताकत जुगलबंदी के सहारे सत्ता शीर्ष पर पहुंचती रही है। ये दोनों ही समुदाय करीब 30% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। खास बात यह है कि इसी समीकरण के दम पर SP प्रदेश में 4 बार सत्ता का सुख भोग चुकी है। हालांकि इस बार हालात बदले हुए हैं। हाल ही में योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान SP में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में हालात की नजाकत को देखते हुए SP प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के ज्यादा प्रत्याशियों को टिकट देकर दूसरी बिरादरी को भी लुभाने की कोशिश की है। उधर BJP भी PM मोदी और CM योगी की जोड़ी को लेकर एक सियासी विमर्श तैयार करने में जुटी है। BJP नेताओं की माने तो ये MY समीकरण चुनाव में उसके लिए कारगर साबित हो रहा है। BJP की लगभग हर चुनाव रैली में पार्टी के नेता देश में PM मोदी और UP में CM योगी की तरफ से किए गए कामों की जमकर सराहना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी का चुनाव प्रचार भी अधिकतर मोदी और योगी के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। BJP नेताओं के मुताबिक जनता के बीच योगी मोदी समीकरण सफलता का मंत्र बन गया है और मोदी योगी फैक्टर के चलते सत्ता विरोधी लहर भी खत्म हो चुकी है। शायद यही वजह है कि अपने मोदी योगी फैक्टर से उत्साहित BJP गांधी नेहरू परिवार के गढ़ रायबरेली में अपने इस MY फैक्टर का जमकर प्रचार कर रही है। अब यूपी चुनाव में हो रहे MY बनाम MY के मुकाबले में किसका MY फैक्टर भारी पड़ता है, ये तो चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा।